So this is first chapter of English reader of fifth standard, the elves and the shoemaker. इसमें नए वर्ड्स आने हैं, shoemaker, ये आपने स्पेलिंग्स याद करने हैं और डिक्लेशन करनी है. एल्व्स, shoemaker होता है जो जूते बनाने वाले होते हैं. एल्व्स जो बोने लोग होते हैं, बोने, परियों की कहानी में जो बोने लोग आते हैं. पेयर, जोड़ा. मास्टरपीस, बहुत अच्छा, अद्भुत. स्किलफुली, अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से. कस्टमर, गाहक. यूजुअल, आम, सामान्य. हैमर, हथौड़ा. तो ये एक कहानी जो है ये शू मेकर की है, जो कि बहुत गरीब हो गया और उसके साथ क्या बीता ये इस कहानी में आएगा. Once there was a shoemaker, एक जूते बनाने वाला था. He became so poor, वह इतना गरीब हो गया, that कि he had nothing left, उसके पास कुछ नहीं रह गया, to run his family, अपना परिवार चलाने के लिए. But only enough leather, लेकिन थोड़ा सा चमड़ा रह गया उसके पास, leather, for just one pair of shoes, एक जोड़ा जूता बनाने के लिए. So in the evening, इसलिए शाम को, ही कट द लेदर विद ग्रेट केयर, उसने जो चमड़ा है वो काट दिया बड़ी अच्छी तरीके से, केयर के साथ. टू मेक द शूज, जूते बनाने के लिए उसने चमड़ा काट दिया, मतलब उसके पास एक जोड़े का जूते बनाने का चमड़ा रह गया, उसने वो काट दिया रात को, शाम को. बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, लेकिन वह बहुत निराश था. दैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल, उसने सारा काम वहीं पर छोड़ दिया, मेज के ऊपर ही, मतलब जो काटा हुआ चमड़ा था वो मेज के ऊपर रख दिया. टू फिनिश इन द मॉर्निंग, और सोचा मैं सुबह मतलब इसको अपने आप ख़त्म करूँगा. ही वॉज ऑलमोस्ट इन टेयर्स, वह लगभग रोने ही वाला था. ऑलमोस्ट इन टेयर्स, टेयर्स का मतलब होता है आंसू. ऑलमोस्ट मैंने लगभग रोने ही वाला था. बिफोर ही फेल अस्लीप, सोने से पहले, ही प्रेड टू गॉड, उसने परमात्मा को प्रे किया. एंड आस्क टू हेल्प हिम, और परमात्मा को कहा प्रार्थना करके कि मेरी हेल्प करो. इन द मॉर्निंग, सुबह जब हुई, ही फाउंड ए वंडरफुल पेयर ऑफ शूज ऑन द टेबल, ऑन इट्स टेबल, उसने बहुत अच्छे मतलब जूतों का जोड़ा है ना अपनी मेज के ऊपर देखा, उसने तो बनाया नहीं था. ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत हैरान हुआ. ही टुक द शूज इन हिज हैंड्स, उसने शूज को अपने हाथ में ले लिया. एंड लुक्ड एट देम क्लोजली, और उनको क्लोजली का मतलब ध्यान से देखा. दे वर सो नीटफुली मेड, वे इतनी अच्छी तरह जूते बने हुए थे, दैट कि देर वॉज नॉट इवन वन बैड स्टिच ऑन देम, उनके ऊपर एक भी गलत सिलाई नहीं थी. ठीक है, द पेयर ऑफ शूज वॉज इंडीड अ मास्टरपीस, वो जो जूतों का जोड़ा था वो बहुत ही अद्भुत था. मास्टरपीस, अद्भुत, बहुत देखने में सुंदर. सून आफ्टर, शीघ्र ही, इसके बाद, अ कस्टमर केम इनटू द शॉप, एक ग्राहक उसकी दुकान में आ गया. ही लाइक्ड द शूज, उसको जूते अच्छे लगे. एंड पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस, उसने आम जो मतलब सामान्य जो उसका प्राइस था, दाम था, उससे ज़्यादा दाम दे दिया जूतों का. नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी, अब जूते बनाने वाला जो था वो बड़ा खुश हुआ. सो ही हैड इनफ मनी टू बाई लेदर फॉर टू पेयर्स ऑफ शूज, अब उसके पास इतना पैसा था कि वो दो जोड़ों के लिए लेदर ला सकता था, चमड़ा ला सकता था, मतलब दो नए जोड़े बनवा सकता था. दैट नाइट, उस रात को, ही कट आउट द लेदर, उसने फिर चमड़ा काट दिया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड टू पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश्ड शूज, और अगली सुबह फिर उसने देखा कि वहाँ पे दो बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए अच्छी तरह फूल वो जो जूते हैं वो पड़े हुए हैं. ठीक है, दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी नाइट्स, ऐसा कितनी रातें चलता रहा. एनी लेदर दैट ही कट आउट इन द इवनिंग, जो भी वो लेदर शाम को काटता था, वॉज ब्यूटिफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग, तो अगली सुबह वो अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाता था.
सून द शूमेकर बिकेम रिच, शूमेकर बड़ा अमीर बन गया। वन इवनिंग द मैन सेड टू हिज वाइफ, एक शाम को उस आदमी ने अपनी वाइफ को बोला, लेट अस स्टे अप टू नाइट टू सी हु इज हेल्पिंग अस, आओ यहाँ रात को जागते रहते हैं ये देखने के लिए कि हमारी मदद कौन कर रहा है। द वीमेन लाइक द आइडिया, उस औरत को ठीक लगा ये बात, ठीक है। शी लाइटेड ए कैंडल, उसने एक कैंडल जला दी, मोमबत्ती जला दी। द रूम वॉज लिट बाय द कैंडल फ्लेम, सारे कमरे में रोशनी होगी कैंडल से। देन दे हिड देमसेल्व्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तब उन्होंने अपने आप को कमरे के कोने में छुपा लिया, बिहाइंड द कर्टिन, पर्दे के पीछे। ये देखो, एट मिडनाइट, आधी रात को, टू लिटल एल्व्स केम डांसिंग इनटू द रूम, दो छोटे छोटे बोने डांस करते करते कमरे में आ गए। बोथ वर वेयरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, दोनों ने पुराने और फटे हुए कपड़े डाले हुए थे। दे सैट डाउन एट द शू मेकर्स टेबल, वो शू मेकर की टेबल पर बैठ गए। दे बिगैन टू स्टिच, वो जूता बनाने लग गए। सॉ द हैमर स्यू द स्यू एंड हैमर सो स्किलफुली, वो उसको सिलने भी लग गए, स्यू का मतलब सिलना, एंड हैमर सो स्किलफुली, और उसके ऊपर इतनी अच्छी तरह हथौड़ा चलाते थे, दैट द शू मेकर वॉज अ सरप्राइज्ड, कि शू मेकर जो छुपा हुआ था पर्दे के पीछे बड़ा हैरान हो रहा था। द एल्व्स फिनिश्ड द वर्क एंड रैन अवे, उन्होंने काम खत्म किया और चले गए। द वीमेन सेड, उस औरत ने बोला, दोज लिटल मैन हैव मेड अस रिच, इन दोनों छोटे छोटे आदमियों ने हमें बहुत अमीर बना दी है। वी शुड शो अवर ग्रेटिट्यूड टू देम, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस, जो उन्हें निष्काम हमारी सेवा की है, मदद की है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। आई विल मेक लिटल शर्ट्स कोट्स वेस्ट्स ट्राउजर्स एंड पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम, मैं उनके लिए दो छोटी छोटी कमीजें बनाऊंगी, कोट बनाऊंगी, बनैने बनाऊंगी, वेस्ट्स ट्राउजर्स पेंटे बनाऊंगी, एंड ए पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम, और एक जोड़ा जुराबे बनाऊंगी। ओके, देन आई विल मेक टू पेयर ऑफ शूज फॉर देम, सेट द शूमेकर, शूमेकर ने बोला, मैं भी उनके लिए एक जोड़ा जूते बनाऊंगा, ऐसे उन्होंने बोला।